आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। थंबनेल आपने बिल्कुल सही पढ़ा, जनवरी 2022 का महीना बहुत बिजी रहने वाला है। तो क्या क्या ड्यू डेट्स हैं, क्या क्या चीजें आपको करनी है जनवरी के महीने में, इस वीडियो में डिटेल से बताऊंगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा जिससे आप अपने टाइम की प्लानिंग कर सके। चलिए तो स्टार्ट करते हैं कि जनवरी 22 में क्या क्या डेट्स हैं। तो जनवरी 22 की जब हम डेट्स की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारी एक डेट आती है 7 तारीख, जिसमें आप लोगों को टीडीएस जमा करना होता है। तो 7 तारीख को टीडीएस आप जमा कर देना, कोशिश करना 7 तारीख से पहले ही आप टीडीएस जमा कर लें। इसके बाद हमारे पास एक डेट आती है, वो डेट है हमारी GSTR 1 की डेट 13 तारीख। हाँ जी, इस बार जो हमारे QRMP वाले हैं उनकी आपको क्वार्टरली, ठीक है ना, GSTR 1 फाइल करनी पड़ेगी QRMP वालों की, तो उसकी डेट है 13 जनवरी। अगर हम बात कर ले QRMP के लिए ही 22 और 24 तारीख को आपको GSTR 3 भी फाइल करनी पड़ेगी। तो QRMP वाले जो क्वार्टरली वाले हैं उनकी इस महीने की डेट्स ये हैं। अगर मैं बात करूँ नोट QRMP वालों की तो उसकी डेट है 11 जनवरी। तो आपकी 7 तारीख ब्लॉक हो गई TDS में, 11 तारीख ब्लॉक हो गई, 13 तारीख ब्लॉक हो गई। इसके अलावा हम बात करेंगे कि जो नॉन QRMP वाले उनकी 3B की डेट भी 20 तारीख है। लेकिन इससे पहले एक सबसे बड़ी डेट जो हमारे पास है वो है हमारी 15 तारीख टैक्स ऑडिट की। तो यहां पर ध्यान रखो, 7 तारीख ब्लॉक हो गई, 11 तारीख ब्लॉक हो गई, 13 तारीख ब्लॉक हो गई, 15 तारीख ब्लॉक हो गई। इसके अलावा मैं अगर आपको बताऊं 20 तारीख हमारी 3B की डेट है, ये आपको पता ही है, ठीक है। 20 तारीख के अलावा 10 तारीख भी हमारी डेट होती है अगर किसी का TDS और TCS है। अगर मैं ISD की बात करूं तो उसके लिए 13 तारीख है और नॉन रेजिडेंट के लिए 20 तारीख है। अगर मैं कंपोजिशन डीलर की बात करूं तो कंपोजिशन डीलर को भी अपना CMP 08 फाइल करना है, उसकी डेट है 18 तारीख। तो आप अब समझ सकते हैं 7 तारीख, 10 तारीख, 11 तारीख, 13 तारीख, 15 तारीख, 18 तारीख, 20 तारीख, 22 तारीख, 24 तारीख, ये सारी डेट्स आपकी ब्लॉक हो चुकी हैं। तो अगर आपको ESI PF की पेमेंट करनी है उसकी भी 15 तारीख डेट है। अगर मैं बात करता हूँ TDS रिटर्न की, किसकी, TDS रिटर्न की भी डेट 31 तारीख है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि पूरा महीना बिजी होने वाला है, तो आप उस हिसाब से प्लानिंग कर ले। डेट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। इसके अलावा मैं अगर आपको बात बताऊँ ROC के लिए रिलैक्सेशन है, ROC के लिए जो भी डेट है वो 15 फरवरी है, ठीक है ना, और क्या है 28 फरवरी। जनवरी में उसके लिए कोई डेट नहीं है, फिर भी हमने यहाँ पर फरवरी के लिए ये डेट डाल दिया है क्योंकि ये सर्कुलर आया था। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर अभी तक तो हमारी ITR ही फाइल नहीं हुई। तो भैया अगर आपकी ITR फाइल नहीं हुई है तो उसे फाइल कर ले। सर क्या लेट फीस के साथ फाइल करें? बिल्कुल लेट फीस के साथ फाइल करें। सर क्या कोई चांसेज है कि ITR की डेट बढ़ जाए, हम लेट फीस अगर अभी जमा कर दी बाद में रिफंड ना मिले तो? भाई मुझे तो नहीं लगता कोई डेट बढ़ेगी। तो लेट फीस अगर आप अभी पे कर देते हो तो शायद वो रिफंड आपको नहीं मिलेगी, और अगर आपको अपना काम निपटाना है तो ITR फाइल कर सकते हैं, नहीं तो 15 तारीख के बाद फाइल कर देना। लेट फीस तो आपको तब भी लगनी है लेकिन इंटरेस्ट आपका बढ़ता रहेगा जितनी आप लेट फाइल करोगे ITR। अब यहां पर ITR लेट फाइलिंग में ना लोगों को एक कंफ्यूजन आ रहा है। कंफ्यूजन क्या आ रहा है कि लेट फीस 10,000 रुपए लगेगी। नहीं भाई, मेरा मानना ऐसा है कि लेट फीस 10,000 नहीं लगेगी, लेट फीस 1,000 और 5,000 रुपए ही लगेगी। यहां पर 1,000 और 5,000 रुपए ही लगेगी, मतलब कि 5 लाख से कम की टर्न, अगर आपकी 5 लाख से कम की इनकम है तो 1,000 और 5 लाख से ज्यादा है तो 5,000, 10,000 इस केस में नहीं आएगा। और अगर आप अपनी टैक्स ऑडिट लेट फाइल करते हो तो उसके ऊपर भी आपको पेनल्टी लगेगी। सर आप ये सारी चीजें कहां से पढ़कर बता रहे हैं? भैया हमारा जनवरी 2022 का एडिशन बिल्कुल रेडी है आने के लिए। सर क्या है इस एडिशन में जरा बता दीजिए। एक तो सारा ड्यू डेट कैलेंडर है, इसके अलावा अगर आपको पता हो एक नोटिफिकेशन नंबर 37 आई थी जिसमें कि जो एंटी प्रॉफिटिंग है उसके लिए चेंजेज करा था, उसका टाइम बढ़ाया था 5 साल, वो हमने यहां पर डिटेल में डाला है। इसके अलावा नोटिफिकेशन नंबर 38 आई थी जिसने बोला था 1 जनवरी 2022 से कई चीजों पर आधार ऑथेंटिकेशन जरूरी हो गई है, तो हमने वो चीज भी यहां पर डाली है। इसके अलावा एक नोटिफिकेशन नंबर 39 आई थी जिसमें सेक्शन 108 से लेकर फाइनेंस एक्ट के कुछ सेक्शंस को मैंडेटरी अप्लाई करा था। कब से अप्लाई करा था जी? 1 जनवरी 2022 से। तो हमने क्या करा है, ये जितने भी सेक्शन 1 जनवरी 2022 से अप्लाई हैं उसका रेलिवेंट सेक्शन क्या है GST में,
क्या अमेंडमेंट हुई है और उस अमेंडमेंट का क्या इम्पैक्ट आपके पास आएगा, उसे हमने विद एग्जाम्पल अपनी मैगजीन में डाला है। लगभग ये 6 से 7 पन्नों का कंटेंट है, तो अगर आप इसे पढ़ लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि भाई क्या क्या चेंजेज 1 जनवरी 2022 से एप्लीकेबल है। इसके अलावा नोटिफिकेशन नंबर 40 डाली है, जिसके अंदर GST की डेट को बढ़ाया गया है, और उसके अलावा जो उसमें कुछ रूल्स डाले गए हैं वो सारा का सारा हमने नोटिफिकेशन नंबर 40 में डाला है। इसके अलावा एक सर्कुलर आया था जिसमें ई कॉमर्स ऑपरेटर के बारे में बताया था, तो ई कॉमर्स ऑपरेटर के क्या क्या क्वेश्चंस रहते हैं वो हमने इस मैगजीन में कवर करा है। इसके अलावा एक सर्कुलर नंबर 168 आया था दमन एंड दीव वालों के लिए, तो उसे भी हमने यहाँ पर शॉर्ट में बताया था। जो 46 GST काउंसिल की मीटिंग हुई थी उसमें क्या डिसीजन लिया गया वो भी हमने इसमें बताया है, और जो एक CBDT का सर्कुलर आया था जिसमें इन्होंने बोला था डेट को एक्सटेंड कर दिया है फरवरी तक, उसके बारे में भी डिटेल में डिस्कशन कराए। इसके अलावा जो इस बार का सबसे बेस्ट कंटेंट है कि FAQ हमने डाले टैक्स ऑडिट से रिलेटेड, तो इस तरीके से इस मैगजीन को हमने 30 पन्नों का बनाया है। अगर आप भी अपनी नॉलेज को एनहेंस करना चाहते हैं तो अभी इन नंबर पर फोन करें और आप मैगजीन सब्सक्राइब करा ले। अगर आपको मैगजीन की सैंपल कॉपी चाहिए तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करें कि जी हमें सैंपल कॉपी दे दीजिए। इस मैगजीन को पूरा पढ़ने के बाद आपको पूरी नॉलेज हो जाएगी कि दिसंबर में GST के अंदर और इनकम टैक्स के अंदर क्या क्या हलचले हुई हैं, क्या क्या चेंजेज हुए हैं, और सारे के सारे आपको एक ही फॉर्म में मिल जाएंगे। तो इस बार की मैगजीन को जरूर पढ़िएगा, और जिन लोगों ने हमारी मैगजीन सब्सक्राइब कराई है, लगभग 4000 लोग हैं जिन्होंने हमारी मैगजीन सब्सक्राइब कराई है, तो मैं उन्हें वादा दिलाता हूं कि इस वीक में हम आपको मैगजीन दे देंगे, ठीक है ना। और आपको मैगजीन पढ़कर कैसी लगी हमें जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, जिससे कि सब लोग इसका बेनिफिट ले सके। इस वीडियो को देखने के लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।